सावन मास के चलते शनिवार को लावरिया भेरू से उज्जैन के लिए महाकाल की कांवड़ यात्रा रवाना हुई। बाजे घोड़े के साथ निकली इस कांवड़ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री महाकाल कांवड़ यात्रा संघ के नेतृत्व में निकली इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। संघ के आयोजक मनीष सोनकर ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम सावेर मोरिया कोल्ड स्टोर के समीप रखा गया है। श्री महाकाल कांवड़ यात्रा संघ द्वारा 11 वर्ष है और काफी संख्या में आए, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हर तरह के लोग यहाँ पर शामिल है, चारों सारे समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी कांग्रेस हर लोग मेरा सम्मान करने आए हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस यात्रा में एकलव्य जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, मेरे को बहुत खुशी है जो मेरी यात्रा में आए हैं। और मेरा यही संदेश है कि मध्य प्रदेश माँ अरिया की नगरी में हमारा भरव उद्देश्य है कि इस यात्रा का उद्देश्य महत्व अच्छा रहे। यहाँ कांवड़ यात्रा रविवार को उज्जैन में महाकाल का जलाभिषेक कर वहीं विश्राम करेंगी।